नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले ADAG ग्रुप के स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस लगभग 3 रुपये के आसपास है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इस स्टॉक में रैली कब आ सकती है और कौन से न्यूज़ के बाद में स्टॉक रॉकेट बन सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, जो भी कंपनी NCLT से सक्सेसफुली बाहर होती है तो स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आ सकती है। जैसे कि आलोक इंडस्ट्री में होता, स्टॉक जो था 3 रुपये पे था जब NCLT में था। जैसे ही NCLT से बाहर निकल गई कंपनी, स्टॉक लगातार रॉकेट हुआ था और 70 से 80 रुपये के ऊपर चला गया था। मतलब सोच सकते हैं, ऐसे पेनी स्टॉक के साथ यहाँ पे विन विन सिचुएशन रहते हैं। अगर किस्मत चली तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न बन सकता है। तो चले देख लेते सबसे पहले सीनियर क्या है और कौन सा न्यूज़ है जो NCLT से आने वाला है आगे जाके। देखिए, जो ये सीनेरियो में हर एक पेनी स्टॉक में जो भी कंपनी NCLT में कवर कर लेते हो, क्योंकि जो भी नए यहाँ पे व्यूअर्स है उनको जो न्यूज़ है बहुत ही आसानी से समझ में आती है। क्योंकि जो बड़े बड़े वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि NCLT, लेंडर्स या फिर बिडर्स, इंसॉल्वेंसी, ये जो नए वर्ड्स रहते हैं नए लोगों के लिए समझने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप लोग समझ सकते इस डायग्राम से एग्जैक्टली क्या हुआ था रिलायंस नेवल के साथ। जैसे कि जो रिलायंस नेवल कंपनी है, एक ज़माने में मार्केट लीडर थे, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे बैंक या फिर लेंडर से बहुत सारा कर्जा लिया। लेकिन कर्जा तो लिया लेकिन कंपनी का बिजनेस चला नहीं। तो यहाँ पे जो रिलायंस नेवल ने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया लोन। तो जो भी लोन है डिफॉल्ट होने के बाद जो भी बैंक से लेंडर से वो चले गए NCLT के पास। जो भी NCLT, मतलब इन शॉर्ट इसको कोर्ट बोल सकते हैं, जो भी NCLT ऑर्डर देती है तो लेंडर्स और जो भी है बैंकक्रप्ट कंपनी उनको फॉलो करना पड़ता है। तो फॉर द एग्जांपल NCLT यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं लेंडर्स को या फिर बैंकक्रप्ट कंपनी को। तो सबसे पहले NCLT बोल सकते हैं लेंडर्स को एक अच्छा रेजोल्यूशन प्लान लेके आओ और मार्केट से ऐसे कुछ नए बीडर्स ढूंढ के निकालो जो रिलायंस नेवल के ऊपर यहाँ पे बोली लगा सकते हैं और रिलायंस नेवल को खरीद सकते हैं। जो भी पैसा आएगा यहाँ पे लेंडर्स को बैंक को दिया जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ये होगा पहला सीनेरियो। और दूसरा जो सीनेरियो रहते हैं, NCLT ये ऑर्डर दे सकते हैं कि अगर कोई अच्छा प्लेयर या फिर अच्छा बीडर नहीं मिल रहा है मार्केट से, जो भी बड़ी कंपनी, तो आप लोग जो भी रिलायंस नेवल है इसको यहाँ पे पूरा बेच दो, उसके एसेट्स पूरा बेच दो और जो भी बैंक से लेंडर से उनका पैसा दे दो। देखिए यहाँ पे जो पहली यहाँ पे कंडीशन रहती है, अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में बहुत बड़ी उछाल आती है, क्योंकि बड़ी कंपनी सामने आती है और जो बैंकक्रप्ट कंपनी रहती है जैसे कि रिलायंस नेवल इसको खरीद सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे जो बैंकक्रप्ट कंपनी इसको खरीदने का फ़ायदा क्या होगा बड़ी कंपनी को। देखिए कैसा रहता है, क्योंकि जो भी कंपनियाँ रहती बैंकक्रप्ट कंपनियाँ उनका बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में रहता है, पूरा सेटअप रेडी रहते हैं, एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे होता है जो बड़े कंपनी को अगर खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसानी होती है बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। इसके वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं बैंकक्रप्ट कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उसके सामने क्या होता है, रिलायंस नेवल के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक प्लेयर मिला था जो रिलायंस नेवल को खरीदने वाला था। स्वैन एनर्जी करके यह था, हेजल मर्चेंटाइज करके एक ग्रुप था, वो यहाँ पे रिलायंस नेवल को ख़रीदने वाला था। तो आगे न्यूज़ को देख लेते क्या हुआ था। जैसे ही जो स्वैन एनर्जी ग्रुप है सामने आया रिलायंस नेवल को ख़रीदने के लिए, जो भी कॉक था यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इसमें सभी बैंक्स लेंडर्स रहते जिन्हें जिन्होंने भी यहाँ पे रिलायंस नेवल को कर्जा दिया था, उन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पे रेजिडेंट प्लान था जैसे कि अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव कर दिया मतलब उन्होंने बोल दिया जो भी स्वैन एनर्जी ग्रुप है वो रिलायंस नेवल को ख़रीद सकता है। ये तो हो गया पुराना न्यूज़। तो नया न्यूज़ क्या था वो आगे देख लेते क्या है। तो आप लोगों को पता रहेगा जो रिलायंस नेवल है उसके ऊपर लगभग 12,000 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है जो बैंक्स और लेंडर्स को देना है। तो उसके ऊपर जो स्वैन एनर्जी ग्रुप है इन्होंने यहाँ पे कितने रुपए के ऊपर बीड लगाया था, लगभग 2,700 करोड़ का बीड लगाया था और बीड जीत गए थे। लेकिन इसको किसने अपोज किया आप लोग पढ़ सकते हैं आगे। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बीड जीता स्वैन एनर्जी ने 2,700 करोड़ में, तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने इस डील को अपोज किया और वो चले गए NCLT में। NCLT में चले जाने के बाद NCLT ने क्या बोल दिया, जो रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल रहता है जैसे कि रिलायंस नेवल और जो है स्वैन एनर्जी के बीच में एक पर्सन रहता है जिसको रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल बोलते हैं, उसको बोल दिया NCLT ने आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर दो और जो भी रिपोर्ट है हमको मार्च 30, 2022 से पहले हम लोगों को दिखाया जाए। ये तो हो गया न्यूज़। तो अभी तक जो भी रिपोर्ट है, अभी तक जो रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल रहते हैं उन्होंने अभी तक यहाँ NCLT के सामने रखा नहीं, जो न्यूज़ अभी तक बाहर आई नहीं है। जो भी यहाँ पे हियरिंग होने वाली थी NCLT में, जो रिलायंस इंफ्रा ने यहाँ पे अपील की थी,
30 मार्च को होने वाली थी, अभी तक इसका आउटकम सामने आया नहीं, तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि न्यूज़ सामने कब आते। फॉर द एग्जांपल एनसीएलटी बोलती है हम जो यहाँ पे डील से ओके, जो भी स्वैन एनर्जी ने यहाँ पे बिड लगाया था, अगर ऐसा होता है वापस से स्टॉक में आपस सर्किट लग सकते, लेकिन इसके उल्टा होता है, मे बी निगेटिव न्यूज़ आती है एनसीएलटी से तो वापस से यहाँ पे स्टॉक में लोअर सर्किट लग सकते। देखिए जो भी स्टॉक्स रहते हैं ऐसे पेनी स्टॉक यहाँ पे विन विन सिचुएशन रहते, अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टी बैग रिटर्न बन सकते हैं, अगर कुछ ख़राब न्यूज़ आती तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। देखिए आगे भी बहुत सारे यहाँ पे इवेंट रहेंगे, जैसे कि कॉर्पोरेशन रहते हैं यहाँ पे स्वैन एनर्जी क्या कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनको एक के बदले एक शेयर दिया जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो आपकी लॉटरी लग सकती है, जिन्होंने भी लोअर प्राइस पे रिलायंस नेवल का यहाँ पे शेयर खरीदा है। इसके उल्टा ऐसा हो सकता है 10 के बदले आपको सिर्फ एक शेयर मिल सकते हैं तो आपको नुकसान है, अगर आपको एक के बदले एक शेयर मिलते हैं तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है कॉर्पोरेशन में, तो देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है। अभी जो रिलायंस नेवल स्टॉक है पूरा न्यूज़ के ऊपर डिपेंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इसमें पैसा लगाना होगा, अगर आपको 500 या फिर 1000 रुपये का रिस्क लेना पसंद है तो उतना ही पैसा लगाए। देखिए स्टॉक मार्केट में कैसा रहता है, कुछ लोगों के लिए 1000 रुपये मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के लिए 500 करोड़ मतलब भी कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसा लगाना है जो ब्लू चिप स्टॉक या फिर जो लार्ज कैप स्टॉक है उसमें लगा सकते हैं, ऐसे पेनी स्टॉक रेट जो रहते हैं सिर्फ सीखने के लिए रहते हैं, लर्निंग के लिए रहते हैं, अर्निंग के लिए आपको क्वालिटी स्टॉक के साथ जाना चाहिए। ये तो था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।